गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल संतोष यादव सर में ठीक है जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे इस समय के बी एस पी आर टी टी जी टी पी जी टी का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो बहुत सारे दोस्तों को ओ बी सी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है ठीक है तो मैं सबसे पहले आपको थंबनेल में दिखा रहा हूँ कि अपना खुद का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ओ बी सी सर्टिफिकेट लगाया हूँ तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनता है क्या क्या उसमें लिखा होता है और रेल जो भी के बी एस ने अपना खुद का एक आ, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया उसमें बताया है कि कौन से फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए तो दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर दो वर्ष वन पॉइंट फाइव ईयर हो गया मुझे काम करते हुए तो मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊँगा ठीक है और जो भी जानकारी मुझे मतलब जो यहाँ पे टीचर्स हैं या जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में उनसे जो बातें मुझे मिलती है वो बातें आप तक मैं शेयर करूँगा तो सबसे पहले तो आपको अगर हमसे कुछ बातें आपको जानना है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ तो चलिए देखिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने खुद के एक ओ सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट पर तो जैसा कि आपको फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी देखिए यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ है ठीक है तो देखिए मेरा नाम है संतोष कुमार और पूरा डिटेल इसमें लिखा है और यहाँ पे देखिए ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है मिला आपको ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ओ का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट है ठीक है दोस्तों चलिए चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय के वी आज नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भी सेम फार्मेट यही है जैसा जो फार्मेट मैं आप लोगों को दिखाया था देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है कि इट इज़ टू सर्टिफाइड दैट श्री मिस्टर जो ऐसा मेरा सर्टिफिकेट था सेम इसमें भी लिखा दोस्तों तो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह देखिए आपको गवर्मेंट ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पे एक मिनट हो जाइएगा ये यह देखिए यहाँ पे गवरमेंट ऑफ इंडिया लिखा तो हमारे भी सर्टिफिकेट पे गवर्मेंट ऑफ इंडिया लिखा था तो आप भी यहाँ पे ऐसे ही सर्टिफिकेट बना लीजिए और हाँ दोस्तों अभी अभी जैसा कि आपको पता होगा ये सारे सर्टिफिकेट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी फॉर्म फिलअप करते समय आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ठीक है अभी जरूरत नहीं है लेकिन आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बनवाए हैं तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सेम फॉर्मेट में बनता जैसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है बस उसमें इंग्लिश में लिखा होता थोड़ा उसका फॉर्मेट अलग होता है ठीक है तो आप जहाँ से भी बनवाते हैं दोस्त सबसे पहले आप फॉर्मेट चेंज करा के बनवा लीजिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम निकाल लें और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको क्या हो दिक्कत हो तो दोस्तों एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती उनका जैसा पहले से बनता वैसा ही बनता तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा और थंबनेल में भी लिखा है कि जाने डिटेल में रियल कैंडिडेट के साथ हाँ दोस्तों मैं भी ऑलरेडी के बी एस पी आर टी का तैयारी कर रहा हूँ और प्राइमरी में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं के से रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो बनाता रहूँगा कैसे इंटरव्यू होता है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरा भी दो बार इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए हुआ तो मैं भी अपनी एक्सपीरियंस को आपके बीच में साझा करूँगा शेयर करूँगा और जो हमारे यहाँ पे परमानेंट टीचर हैं उनसे भी मैं बातें मतलब पूछूँगा क्या होता है कैसे होता है और डिटेल आप लोगों को बताऊँगा तो बहुत सारे कंटेंट अभी मेरे पास रेडी हैं तो थोड़े थोड़े मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा क्योंकि यूट्यूब पर अभी मैं थोड़ा न्यू हूँ तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है बट ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करने के लिए ओके बाय बाय